हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूँ फिर से आइकॉनिक 2022 बिल्डिंग। पीछे टॉस टावर भी दिख रहा है। जो लोग मेरा वीडियो हमेशा देखते हैं उनको तो मालूम ही होगा, यही है वो आइकॉनिक 2022 बिल्डिंग जहाँ पे मैं पहले काम करता था। तो यहाँ से अभी मैं छोड़ के मैं थोड़ा दोहा मेन सिटी में शिफ्ट हो चुका हूँ। और अभी एक्चुअली यहाँ पर मिलता है बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा। सुजिदा जो मेरा दोस्त है वो यहाँ पे काम करता है, ये लोग यहाँ पे बहुत ही स्पेशल तरह का पिज़्ज़ा बनाता है। तो मुझे आई रियली मिस दिस पिज़्ज़ा। तो आज मैं फिर से वापस आ चुका हूँ। इस जगह को मैं बहुत ही मिस करता हूँ क्योंकि कोविड में मैं पूरा एक साल जब घर पे बैठा था उसके बाद मैंने आके यही रेस्टोरेंट में ज्वाइन किया। तो करीब करीब 2 साल ये रेस्टोरेंट में मैंने गुजारा, फिर अभी मैंने रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। तो इसलिए इस जगह के साथ मेरा बहुत सारा मेमोरी जुड़ा हुआ है। बट इस रेस्टोरेंट का सबसे ख़ास बात है इसका जो पिज़्ज़ा सुजिदा जो बनाता है। एक्चुअली इस पिज़्ज़ा को हम लोग बोलते हैं नेपोलिथन पिज़्ज़ा, इटालियन स्टाइल में बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग इंडिया में जो पिज़्ज़ा ट्राई करते हैं दैट इज़ नॉट एक्चुअली पिज़्ज़ा, क्योंकि ये पिज़्ज़ा खाने के बाद मतलब वर्चुअली तो मैं दिखा रहा हूँ, बट कोशिश कभी भी आप लोग बाहर जाएंगे तो पूछिए अगर किधर भी नेपोलिथन पिज़्ज़ा है तो ट्राई कीजिए, क्योंकि इटालिया का सबसे बेस्ट स्टाइल नेपोलिथन पिज़्ज़ा है। इसमें क्या होता है ना, ये नेपोलिथन पिज़्ज़ा बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट सॉस और चीज़ डाल के बना देता है, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है। बट इसका जो मेन होता है जो स्पेशल सॉस और इसका जो डो है उसी में ही इसका पूरा मतलब मैजिक है। इसका डो बनाने का काम जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो सुजिदा भी डो यूज़ कर रहा है इसको बोलते हैं सावा डो, जिसको स्पेशल रेसिपी के साथ बनाता है, क्योंकि इसके अंदर इतना अच्छा शानदार फर्मेंटेशन होता है ना, जब पिज़्ज़ा आप खाएंगे मुँह का अंदर आपको लगेगा मतलब एकदम मिल्ड हो जाता है, इतना सॉफ्ट और फ्लफी रहता है। नॉर्मली हम लोग इंडिया में जो पिज़्ज़ा हट डोमिनोज में जो पिज़्ज़ा खाते हैं ना वो बहुत ही घटिया तरह का पिज़्ज़ा, क्योंकि ये खाने के बाद आप लोग बोलेंगे ये क्या पिज़्ज़ा है। अभी जस्ट पिज़्ज़ा को अच्छे से शेप दिया, उसके ऊपर स्मोकी बुराता मतलब टोमेटो का एक चेरी टोमेटो का एक स्मोकी सॉस और पार्मेसन चीज और ऑलिव ऑयल, बस सिंपल इतना सही है। उसको देके अभी अंदर डालेंगे। सबसे पहले जो पलटा है, पलटा को थोड़ा गर्म कर लिया ताकि जब इसको उठाएगा तो जो पिज़्ज़ा है वो पलटा का साथ स्टिक ना हो जाए। मॉइस्चर रहने से कभी कभी जो डो है ना वो मतलब पकड़ लेता है पलटा का साथ। अभी अंदर डाल दिया। ये जो पिज़्ज़ा ओवन है ये भी इतरी से ही आया है, क्योंकि कतर में इस टाइप का पिज़्ज़ा ओवन बनता नहीं है, वहाँ से आप लेकर के स्पेशल टेक्निकली यहाँ पे असेंबल किया गया है। और ये इसके अंदर नॉर्मली 350 से 400 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। तो फर्स्ट स्टेज में जब पिज़्ज़ा अंदर डालते हैं ना तब टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो नीचे जो स्टोन है उसका साथ चिपक ना जाए। फिर धीरे 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 जितना पिज़्ज़ा पकते जाएगा टेम्परेचर कम करते जाएगा। अभी फ़िलहाल ओवन का टेम्परेचर है 350। और एक चीज़ आप देखेंगे तो एकदम फर्स्ट स्टेज में पिज़्ज़ा को बहुत ही अंदर डाला जाता है ताकि उसमें अच्छा सा कलर, और जो अभी ऑलिव ऑयल डाला ना, ऑलिव ऑयल डालने के बाद जो अंदर स्मोक हुआ वो एक स्मोकी फ्लेवर देता है पिज़्ज़ा को, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और धीरे धीरे जब पिज़्ज़ा थोड़ा हाफ डन हो जाएगा फिर पिज़्ज़ा को बाहर लेके आना होता है। इस ओवन का सबसे खास बात यह है, इस ओवन का अंदर जब पिज़्ज़ा पकाया जाता है अंदर ऑलिव और ओक वुड डालता है, जो जलने के बाद पिज़्ज़ा का अंदर एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर देता है, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट। और अभी बुराता चीज़ डालने वाला है, फ्रेश बुराता चीज़ है। फ्रेश बुराता नॉर्मली हम लोग जो चीज़ खाते हैं बहुत ही हार्ड टाइप का होता है, ये फ्रेश बुराता एकदम सॉफ्ट और मिल्की होता है। इसका टेस्ट आप ऐसे खाएंगे ना नॉर्मली, ये फ्रेश बुराता नॉर्मली ये पिज़्ज़ा में और सैलड में यूज़ होता है। तो फ्रेश बुराता चीज़ अभी डाल दिया गया है यहाँ पे करीब करीब, देखते हैं कितना पीस डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 9 10 पीस करके अभी फ्रेश बुराता चीज़ डाल दिया, देखते हैं आगे क्या करते। और थोड़ा परमेसन चीज़ फिर अभी अंदर डाल दिया। लेकिन इस बार जो पिज़्ज़ा को अंदर डाला है ज़्यादा अंदर नहीं डाला है, एकदम सामने ही रखा है ताकि जल ना जाए। और धीरे 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 इसको घुमाते रहेगा ताकि नीचे भी पूरा जल ना जाए, बस चीज़ थोड़ा मेल्ट होने का इंतज़ार है। आगे देखते हैं सुविधा क्या करते हैं। तो अभी देख सकते हैं पिज़्ज़ा हाँ थोड़ा पक चुका है पूरा, मेल्ट भी थोड़ा मेल्ट मतलब पिज़्ज़ा भी जो पिज़्ज़ा में जो चीज़ डाला है बुराता चीज़ वो भी मेल्ट हो चुका है। बहुत ही सिंपल पिज़्ज़ा है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है। अब पिज़्ज़ा को कट मारेंगे, 8 पीस कट कर दिया, फिर बॉक्स में डाल दिया। और
ये है स्वीट बेजिल पेस्तो सॉस, स्वीट बेजिल पेस्तो, स्टोन ग्राइंडेड स्वीट बेजिल पेस्तो। ये भी बहुत ही टेस्टी है। नॉर्मली ग्रीन बेजिल और हर्ब से मिक्स करके ऑलिव ऑयल से पेस्तो बनाया गया है, क्योंकि ये जब आप मुंह में बाइट लेंगे ना, पूरा सब चीज़ मिला के इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा। अभी इसके ऊपर एक डाल रहे हैं सनड्राई टोमेटो, जो कि चेरी टोमेटो को मैरिनेट करके फिर सनड्राई किया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे तो बाहर धूप में नहीं डाल सकते सनड्राई, तो यहाँ पे मशीन मिलता है, सेम जैसा बाहर धूप में सुखाने के बाद जैसा टेक्चर आएगा सेम वैसा टेक्चर आता है मशीन में। और ऊपर से डाल दिया थोड़ा फ्रिजी लेटस और अरेबुला का एक मिक्स सैलड विथ ऑलिव ऑयल एंड पेपर, और ऊपर से डाल दिया और ढेर सारा पार्मेसन चीज़। बाकी सब मिक्स होने के बाद आप जब मुँह में डालेंगे ना, एक अलग ही मतलब फ्लेवर आएगा। ओके, और एक चीज़ बाकी रह गया जो अभी डाल रहा है, बाल्समिक रिडक्शन, ऊपर से ड्रिजल किया गया बाल्समिक रिडक्शन। ये पिज़्ज़ा का नाम है स्मोकी बुराता, बहुत ही सिंपल पिज़्ज़ा है बट टेस्ट तो लाजवाब है। तो यही है आज रात का डिनर, फिर चलते हैं रूम का तरफ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग का। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।